फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं, रात के 8 बज चुके हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं। और आज आप लोग को डिजिटल वन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था संडे को कुछ टेक्निकल इशू के वजह से, वो मंडे को रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाया था। टेक्निकल टीम से टेक्निकल वहाँ पे एरर कुछ आ रहे थे जिसके वजह से। तो चलिए आज आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन 1 से 20 तक लेके, और इसके साथ साथ कि रैंक 5 से लेके रैंक 1 तक कौन कौन लोग आए हैं, वे सारे लोगों का नाम आज इसी वीडियो में, इसी लाइव वीडियो में आपको लाइव सेशन में बताया जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी इस लाइव सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और आगे आप लोग का सोल्यूशन में हम आगे लेके चलेंगे, तो फटाफट शेयर कर दीजिए इस लाइव सेशन को। और जो लोग नए हैं, जो लोग एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, जो लोग वीकली एग्जामिनेशन में नहीं आ पाए थे, वे लाइव चैट में अपना कमेंट करें, बताएं कि हम नहीं दे पाए थे, तो उनका नंबर टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उनका जो नंबर होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलिए फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए और इस सेशन को शेयर करते हुए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो ये रहा आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होगा, यही आपसे पूछा है। बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, हेक्साडेसिमल का बेस। तो अगर आपसे हेक्साडेसिमल का बेस पूछ रहा है, बेस या रेडिक्स पूछे, बेस या रेडिक्स की बात करें और हेक्साडेसिमल पूछ रहा है, मतलब 16 मतलब ये 0 to 9 एंड 8 to 8 ये डिफाइंड है। यहाँ सिर्फ यही सवाल नहीं बनता है दोस्त, यहाँ से आपसे पूछ सकता है बाइनरी का क्या होगा बेस, तो 2। ऑक्टल का पूछेगा तो क्या होगा, 8। और अगर डेसिमल का पूछेगा तब क्या होगा बेस, 10। यहां से आपके प्रीवियस ईयर का यह सवाल है और ये क्वेश्चंस, सिर्फ यही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ये बाइनरी का बेस कितना होगा, ये डेसिमल का बेस कितना होगा, ये ऑक्टल का बेस कितना होगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चंस का आंसर, ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। तो चलिए अब इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग फटाफट ये क्वेश्चन का आंसर अपने लाइव चैट बॉक्स में दीजिएगा। 11.01 बेस 2 है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फटाफट आप लोग आंसर लाइव चैट में कीजिएगा और ये लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसका आंसर बताएं आप लोग, फटाफट इसका आंसर बताएं आप लोग। तो 11.01 बेस 2 बेस 10 में बदलना है, फटाफट इसका आंसर बताएं आप लोग, 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं क्या होगा। चलिए तो देखिए ये 1-1 है, तो 1-1 और पॉइंट से पहले है, मतलब 1-2, इसका तो वैल्यू 1-2 मतलब 3 आ गया, तो 3 पॉइंट तो होगा, लेकिन 3 पॉइंट के बाद कौन होगा। तो पॉइंट के बाद ये 0-1 है, सारे ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं यहाँ कि इसमें भी पॉइंट के पहले 3-3-3-3 है, आपको बताया गया होगा, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्त, 0-1 पॉइंट के बाद 0-1 है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो 0 के पास ये 1 है और ये 2 पे है, मतलब तो 0 × 2 का पावर -1 + 1 × 2 का पावर -2। अब ये पूरा का पूरा तो 0 हो गया, ये क्या हुआ 1/4, क्या हुआ 1/4, डेसिमल में चेंज करेंगे 0.25,
कितना आएगा 0.25, पहले से कितना था 3, ऐड कर देंगे कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत से लोग सही बता रहे हैं, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए तो आप लोग जल्दी जल्दी इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे थर्ड आपका स्क्रीन का ऊपर रहा ये 1011110, बेस 2 है इसका और इसको ऑक्टल में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है ऑक्टल में चेंज करना है। चलिए 10 सेकंड में आप लोग जितने भी लाइव है बताएं इसका आंसर कितना होगा, ये आपका 10 सेकंड। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए इसका आंसर कितना होगा। तो ये 1011110 है, 1011110 ये बेस 2 में है, इसको ऑक्टल में चेंज करना। आपको पता है 3 बिट का पेयर लगाएंगे, यहाँ से 3 बिट का पेयर लगाएंगे, इसको भी 3 बिट का पेयर लगाएंगे, ये 1 बच गया, इसके पहले 2 जीरो लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 बिट का पेयर लगा दिए। यहाँ से लिखेंगे 1 2 4, जीरो वाला तो कट गया, 4 2 6, 1 2 0 कट गया 3, और यहाँ पे 1 1 3 6 1 3 6 जिस ऑप्शन में वह राइट आंसर है, कहां पे है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी 1 3 6 ये राइट आंसर हुआ। चलिए तो इस तरह से आप लोग लाइव सेशन को शेयर करें और वीकली टेस्ट में आप लोग हर एक वीकली टेस्ट को अटेंड करें। और ये लाइव सेशन आप लोग देख रहे हैं तो लाइव सेशन जैसे ही एंड होगा, जैसे ही लाइव सेशन एंड होगा आपका ये वीडियो फिर से आपके पास नहीं चलेगा, ये वीडियो नहीं चलेगा। इसलिए जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, जितने लोग लाइव सेशन में एंड तक जुड़े हुए अभी तक, वो एंड तक रहे, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि ये समाप्त होने के बाद भी, एंड होने के बाद भी आपके पास होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये आपके आपको नोटिस कल ही दिया गया था द पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल से। तो चलिए आप लोग जुड़े हुए रहिए, आप लोग कहीं ना जाएं, शुरू से अंत तक देखें इस सॉल्यूशन को, और जैसे ही लाइव इसका खत्म होगा तो ये वीडियो आपके पास फिर से नहीं चलेगा। चलिए इसका खास ख्याल रखते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 4 नंबर क्वेश्चन, द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट इज, नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है, नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है, फटाफट 10 सेकंड में आप लोग आंसर कीजिएगा। और जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग 30 से प्लस जुड़े हुए हैं और अभी तक लाइक 10 ही है, आप लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बोल रहा है नॉट गेट का फंक्शन क्या होगा, चलिए 10 सेकंड आपका अब समाप्त होता है। अब देखिए ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट क्या करता है, तो ये इन्वर्ट करता है, क्या करता है, इन्वर्ट करता है इनपुट सिग्नल का, कैसे, तो ये 1 रहेगा, 1 को किस में चेंज करेगा 0 में, 0 को किस में चेंज करेगा 1 में, मतलब हाई को किस में चेंज करेगा लो में, और लो को किस में चेंज करेगा हाई में, हाई को लो में और लो को हाई में, तो ये इनपुट सिग्नल को क्या करता है इन्वर्ट करता है, मतलब 4 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, इन्वर्ट इनपुट सिग्नल नॉट गेट का ये फंक्शन है। चलिए आइए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग हर एक वीकली टेस्ट को अटेंड करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि वे लाइव वीकली टेस्ट को अटेंड करें, और इसके साथ जो लोग वीकली टेस्ट अटेंड कर रहे हैं वे लाइव सेशन में ज़रूर आएं, क्योंकि उसका सोल्यूशन लाइव सेशन के बाद ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग के लिए द पॉलिटेक्निक की तरफ से एक एग्जाम स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, क्या चलाया जा रहा है, एग्जाम स्पेशल बैच। तो जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, तो इस एग्जाम स्पेशल बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। बाकी पहले के वीडियो में आपको बताया गया लास्ट डेट 7 जुलाई या 6 जुलाई हो चुका है, कल ही तक है। जो लोग चाहते हैं इस एग्जाम स्पेशल बैच में जुड़ने के लिए, तो आज ही इस लाइव सेशन के बाद जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करें आज ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, बोला द नैंड गेट इज एंड गेट फॉलोड बाय, बोल रहा है कि नैंड गेट अगर पूरा का पूरा बनाना है और आपके पास एंड गेट है, तो किस गेट को
ऐड करके नैंड गेट बनेगा, एंड गेट में किस गेट को ऐड करेंगे कि हमारा नैंड गेट बनेगा, तो बताइए नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, इनमें से कोई नहीं। फटाफट 10 सेकंड का समय आपके पास, आप जल्दी से जल्दी इसको लाइव चैट बॉक्स में बताएं कि कौन सा आंसर इसका राइट होगा। चलिए 10 सेकंड आपके पास, फटाफट बताइए। तो चलिए अब देखिए यहाँ इसका आंसर, एंड गेट में कौन सा गेट ऐड करेंगे कि नैंड गेट बनेगा, तो वो गेट होता है नॉट, नॉट, एंड में नॉट गोट गेट, गेट को ऐड करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, नैंड गेट। तो ये ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ए सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, नॉट गेट, नॉट गेट। ये चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ क्वेश्चन बताया जा रहा है, नहीं, आपका रिजल्ट भी पब्लिश किया जाएगा। बहुत लोग शानदार ये प्रदर्शन किए हैं, परफॉर्मेंस उनका बहुत बहुत ही लाजवाब रहा है, और द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से जितने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस किए या जितने ज्वाइन किए लाइव सेशन में अभी, और जितने वीकली टेस्ट को अटेंड किए हैं, उनको शुक्रिया अदा करती है। और चूंकि ये आपके लिए है, ये सेशन सारा का सारा सेशन आपके लिए है, आप इस सेशन का इंजॉय करें और पढ़ें, जिससे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, आप सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चंस का डिजाइनिंग किया जा रहा है यहाँ पे, ये प्रीवियस ईयर्स को ही देखते हुए किया जा रहा है, आपके सेमेस्टर को देखते हुए किया जा रहा है, और हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव सेशन में जुड़े। चलिए तो इंतजार की घड़ी अब थोड़ी ही देर में खत्म होने वाली है, हम रैंक को भी पब्लिश करेंगे, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये 6 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, द यूनिवर्सल गेट इज, द यूनिवर्सल गेट इज ऑप्शन नंबर ए नैंड गेट, और गेट, एंड गेट, और नाउन ऑफ दिस। 10 सेकंड का समय, जितने भी लाइव सेशन में अटेंड है वो फटाफट आंसर लाइव चैट बॉक्स में कीजिएगा, यूनिवर्सल गेट कौन होता है, फटाफट आंसर कीजिएगा। चलिए यूनिवर्सल गेट की बात करेगा तो आप याद रखिएगा, नॉर गेट और नैंड गेट ये दोनों यूनिवर्सल गेट हैं, और बाकी, और अगर बात करें एंड और बाकी बात करें नॉट की, तो ये तीन गेट बेसिक गेट के अंतर्गत आते हैं। तो आपको सवाल अगर पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, बेसिक गेट कौन होता है, और एंड, नॉट, ऑल ऑफ दिस, चारों तीनों, चौथा आंसर सही ऑल ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल गेट कौन होगा, यूनिवर्सल गेट कौन होगा, नैंड गेट, यूनिवर्सल गेट कौन होगा, नैंड गेट। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं, जिसका हमें बहुत देरों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप लोग, संडे से आप लोग मंडे को परेशान थे, टेक्निकल टीम काम कर रही थी, टेक्निकल इशू आने के कारण आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाया। तो चलिए आज आप लोग का रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। अब जिस चीज का बेसब्री से इंतजार, वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, और रैंक 5 का रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रैंक 5 का रिजल्ट में तीन लोग शामिल हैं, और फर्स्ट तनु कुमारी जो जीपी गया से बिलोंग करती हैं, और जिन्होंने 12 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 20 में। चलिए जितने भी लोग जहां भी हैं इनके लिए वहीं से ताली बजाइए, तनु कुमारी जीपी गया 12 मार्क्स फिफ्थ रैंक लाए हैं आउट ऑफ 20 में। सेकेंड नंबर पे जो हैं वे हैं मुकुल कुमार जीपी मुंगेर। चलिए जीपी मुंगेर, इनके लिए भी जहां भी जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं वहीं से ताली बजाइए इनके लिए, ये भी रैंक 5 में 12 मार्क के साथ आए हैं आउट ऑफ 20 में। बहुत बहुत शुक्रिया द पॉलिटेक्निक की तरफ से। आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि आप और मेहनत करें, आप रैंक 5 में ना बल्कि रैंक 1 में अपना जगह बनाएं। चलिए और नेक्स्ट थर्ड जो है इसी में रैंक 5 में ही तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं यहाँ पे संजीव कुमार जीपी डेहरी ऑन सोन, ये भी 12 मार्क के साथ आउट ऑफ 20 में फिफ्थ रैंक पे आए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, आप भी कोशिश करें, आप लोग तीनों कोशिश करें कि अगला वीकली टेस्ट में आप रैंक 1 में परफॉर्मेंस अच्छा करें और रैंक 1 में आए।
तो ये हमारे पास तीन लोग जो कि अंडर फाइव रैंक में आए हैं, तनु कुमारी जीपी गया, मुकुल कुमार जीपी मुंगेर, संजीव कुमार जीपी डेहरी ऑनसोन। और जो लोग अभी तक इन फाइव रैंक में उनका रिजल्ट नहीं है तो वे पेशेंस ना खो, हो सके वो फोर्थ रैंक में हो सके वो थ्री रैंक में हो सके टू रैंक में हो, या वो फर्स्ट रैंक में भी हो सकते हैं। तो आप पेशेंस बना के इस लाइव सेशन में जुड़े रहें। चलिए अब इस फाइव रैंक के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है द इन्वर्टर इज, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नन ऑफ द एबव, इन्वर्टर की तरफ कौन बिहेव कर रहा है। तो आप बताइए फटाफट 10 सेकंड में, सबसे इजी सवाल आपका, ये प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है, सारा सवाल प्रीवियस ईयर का है, आप बताइए कौन सा गेट होगा। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए तो देखिए इन्वर्टर की बात करेगा मतलब वो इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट करेगा 1 से 0, 0 से 1, इसके पीछे में भी एक सवाल हम करवाए हैं अभी। तो इन्वर्टर की तरह नॉट गेट बिहेव करेगा, कौन सा गेट बिहेव करेगा, नॉट गेट, ऑप्शन ए नॉट गेट इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो आप इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, 8 नंबर क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहता है एन और गेट हैज फोर इनपुट्स आपके पास है, फोर इनपुट्स, और बोलता है वन इनपुट इज हाई, एक इनपुट जो है वो हाई है, एक इनपुट क्या है, हाई है, और अदर थ्री इनपुट जो लो है, अदर थ्री इनपुट लो है, और हाई कहने का मतलब वो वन है और लो कहने का मतलब जीरो है। तो बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, तो और गेट की बात कर रहे हैं तो आउटपुट में ए और बी और सी और डी क्यों लिखे ये चार, क्योंकि और गेट फोर इनपुट्स की बात कर रहा है और जिसमें अगर वन भी हाई हो तो इसका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन एट। और गेट का अगर फोर इनपुट्स है और एक इनपुट हाई है और अदर थ्री लो है तो इसका आउटपुट हाई होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं रिजल्ट की ओर, अभी नहीं, थोड़ा देर और इंतजार कीजिए। फोर्थ रैंक में जितने लोग हैं पेशेंस बना के रखे, अभी एक दो और क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद हम रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये 9th नंबर क्वेश्चन बोलता है टूज कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 0101 इज, बताना 0101 का टूज कंप्लीमेंट क्या होगा। फटाफट आप लोग 9 सेकंड के अंदर इसका आंसर करेंगे, 10वां सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए शुरू, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए, टूज कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, टूज कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 0101। चलिए टूज कंप्लीमेंट की जहां बात करेगा तो सबसे पहले उसका वंस कंप्लीमेंट निकाला जाता है, और वंस कंप्लीमेंट के लिए जीरो को वन से रिप्लेस करते हैं और वन को जीरो से रिप्लेस करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। या क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यूएबल डिजिट जो है, चूंकि वंस और टूज बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर है, तो वन 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 मतलब वन मैक्सिमम वैल्यूएबल डिजिट में से माइनस करेंगे तो वो आपके पास आएगा, वो होगा वंस कंप्लीमेंट। और वंस कंप्लीमेंट में अगर हम वन को ऐड कर देंगे तो बताओ क्या होगा, टूज कंप्लीमेंट। वन ऐड करने के बाद 1101 1011 ये आया, ये आपका टूज कंप्लीमेंट आएगा, जहां भी ऑप्शन आपको दिख रहा है 1011 वो टूज कंप्लीमेंट होगा बाइनरी नंबर 0101 का। तो आपको ए ऑप्शन में दिख रहा होगा 1011, तो ये इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, टूज कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 0101। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन को शेयर करें, एग्ज़ाम स्पेशल बैच में ज्वाइन करें, और उस बैच के खासियत की अगर हम बात करते हैं, एग्ज़ाम स्पेशल बैच की खासियत की बात करते हैं, तो वह बैच है जो आपके सक्सेस पॉइंट तक पहुंचा सकती है। उसी तरह जिस तरह इस वैश्विक कोरोना महामारी में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 स्पेशल ट्रेन का आप नाम सुने होंगे, रेलगाड़ी,
तो वो क्यों चलाया जा रहा था? वो चलाया जा रहा था कि जहां जहां दूर दूर लोग हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए, सक्सेस पॉइंट तक पहुंचाया जाए। उसी तरह से द पॉलिटेक्निक की पूरी टीम एक रात पूरी रात बैठकर मीटिंग करके और एक निष्कर्ष पर पहुंची कि एक ऐसा बैच चलाया जाए जो हर एक उस स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जो आज तक कुछ नहीं पढ़ा। 6th semester और 4th semester दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने बड़े भैया को भी बताएं और आप तो खुद 4th semester में हैं, तो 4th semester में जो अभी तक कुछ नहीं जानते हैं, ना डिजिटल का डी जानते हैं और ना ईसीएम का ई, उन सब लोगों के लिए ई एग्जाम स्पेशल बैच जो है वो आपके सक्सेस पॉइंट तक उसी तरह पहुंचाएगी जिस तरह से कोरोना के वैश्विक महामारी में भारत सरकार द्वारा चलाए गए COVID-19 स्पेशल ट्रेन पहुंचा रही थी। मतलब ये काफी फास्ट भी होगा आपके हर एक सिचुएशंस को देखते हुए। चलिए तो इस बैच में आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। और अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। इन बुलियन अलजेब्रा द पार साइन इंडिकेट्स, बुलियन अलजेब्रा में जो पार साइन है ये क्या इंडिकेट्स करता है? तो आप लोग इसका आंसर फटाफट कीजिए और ये जान रहे होंगे, और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन या कोई ऑपरेशन नहीं। तो बार साइन का मतलब अगर ए जीरो है तो ए बार का वैल्यू 1 हो रहा है, अगर ए 1 है तो ए बार का वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब नॉट ऑपरेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बार साइन इंडिकेट करता है नॉट ऑपरेशन को। चलिए, जिसका इंतजार आप लोग बहुत देर से कर रहे हैं, जिस रिजल्ट का 4th rank का, वो अब आपके स्क्रीन पे आएगा कुछ ही टाइम के बाद। तो जो 4th rank में हैं वे कमेंट करके बताएं जिनका नाम आ रहा है कि हाँ हम यहाँ पे उपलब्ध हैं, प्रेजेंट हैं, हम 4th rank में हैं, और ये भी साथ में लिखें कि हाँ हम और मेहनत करेंगे कि 1st rank में आएंगे। चलिए तो 4th rank का रिजल्ट आपके स्क्रीन पे रहा है ये। 4th rank में सबसे फर्स्ट आस्था कुमारी फ्रॉम जीपी गया 13 marks के साथ आउट ऑफ 20 में। आस्था कुमारी जीपी गया 13 marks आउट ऑफ 20। जितने भी लाइव सेशन में अटेंड स्टूडेंट हैं वहीं से इनके लिए ताली बजाएंगे, आस्था कुमारी जीपी गया 13 marks। चलिए, इनमें 3 लोग हैं जिनमें सेकेंड पे शुभम कुमारी जीपी डेहरी ऑन सोन 13 marks के साथ, ये भी अपने रैंक 4 में आए हैं 13 out of 20। और लास्ट अजय कुमार जीपी मधेपुरा 13 marks के साथ आउट ऑफ 20 में, जीपी मधेपुरा अजय कुमार। काफ़ी इम्पॉर्टेंट, और ये 4th rank में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। आप और भी मेहनत करें और टॉप रैंक 1 में आने की कोशिश करें। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से। और आगे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये। चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को देख के कि मेरा तो 4th rank में आया नहीं, 5th में भी नहीं था। तो पेशेंस रखे, हो सके आप थर्ड रैंक में होंगे, सेकेंड में होंगे, या आप टॉप हो, 1st rank में हो, तो पेशेंस बना के इस लाइव सेशन को अटेंड करते रहे। और जिनका भी रिजल्ट निकल गया हो वो अगर सोच रहे हैं कि हम इस लाइव सेशन को छोड़ के चले जाएं, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका 7 marks का क्वेश्चन गलत हुआ है, इसका मतलब आपको पूरा का पूरा लाइव सेशन देखना चाहिए। और अगर नहीं देखिएगा तो इसका लाइव के बाद ये सेशन आपको फिर से नहीं मिल पाएगा, ये वीडियो आपको नहीं चल पाएगा। चलिए, कहता है 11th क्वेश्चन, व्हेन एन इनपुट सिग्नल 1 इज अप्लाइड इज अ नॉट गेट पे हम जब इनपुट सिग्नल अप्लाइड करते हैं, किस पे? नॉट गेट पे, और वो भी 1 कर रहे हैं 1, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। अभी बताएं, अगर 0 अप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। आप जा रहे हैं इन्वर्टर की तरफ, बिहेव कर रहा है, 1 कर रहा है, 0 0 1, तो इसका क्या आंसर होगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन। इनपुट सिग्नल 1 इज अप्लाइड टू अ नॉट गेट, द आउटपुट इज 0। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर आ गया। 12th क्वेश्चन देखिए,
चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट इज टू, अभी बता नॉट गेट का क्या फंक्शन है। नॉट गेट का फंक्शन है इन्वर्ट करता है किसको, इनपुट सिग्नल को, किसको, इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर टू आपके सामने, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ऑफ 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे और वो क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। ये 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। चलिए कहता है टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट द 1 1 1 0 0 1 0 1। ये आपके पास टूज कंप्लीमेंट में है, बताना इसका डेसिमल क्या होगा, जिसका बेस 10 हो डेसिमल क्या होगा। तो बताइए टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले वंस निकालते थे और वंस में 1 को ऐड करते थे ना। तो जब हमको डेसिमल निकालना है इसलिए सबसे पहले हमको किस में जाना होगा, बाइनरी में जाना होगा। अब बाइनरी में जाने के लिए सबसे पहले हमको वंस कंप्लीमेंट निकालना होगा और वंस कंप्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले टूज में से 1 को माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि 1 आप ऐड किए थे तो माइनस जैसे ही करेंगे 0 1 0 0 1 1 1, ये आपके पास आएगा। और इसके बाद वंस आया तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जब तो बाइनरी में करेंगे तो 0 को 1 करते थे तो 1 को 0 0 0 1 1 0 1 1, ये इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे। और ये कन्वर्ट करके आएगा जो मेरा, ये मेरा आएगा किस में, बाइनरी में आएगा। लेकिन इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में, डेसिमल में चेंज करना है। तो 1 1 2 4 8 16 और पूरा को ऐड जब हम करेंगे तो मेरा आएगा 27 आएगा इस बाइनरी को ऐड करेंगे। और जब हम बाइनरी को ऐड किए 27 आया तो क्या आंसर होगा इसमें से, ये दो आंसर तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, पर दो आंसर आपके पास 27 प्लस में है और 27 माइनस में है। लेकिन टूज कंप्लीमेंट निकाल के हमको दिया है, इसका मतलब टूज कंप्लीमेंट निकाला है क्या होगा, तो वो निगेटिव साइन के लिए निकाला गया होगा। किसके लिए, निगेटिव, मतलब माइनस 27। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे 14 नंबर रहा। ये 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ डिजिट इन ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल जिसका बेस 8 हो और 8 मतलब 0 से 7 तक डिफाइंड हो, और 0 से 7 तक जब हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और इसको काउंट कीजिए तो इसमें डिजिट कितना होगा, 8। डिजिट कितना होगा, 8 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा, 14 का ऑप्शन होगा ये 8 नंबर। चलिए अब जो लोग रो रहे थे कि मेरा 5 रैंक नहीं आया, 4 रैंक नहीं आया, और लाइव सेशन में बहुत पेशेंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो हो सके आपका 3rd रैंक में आ जाए। तो 3rd रैंक अब रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये 3rd रैंक। 3rd रैंक में सिर्फ एक ही स्टूडेंट हैं और वो हैं जीपी जमुई के, वो कहाँ के हैं, जीपी जमुई के, और वो 15 नंबर लेके आए हैं आउट ऑफ 20 में, और उनका शुभ नाम है आनंद कुमार। और इनके लिए जितने लाइव सेशन में लोग जुड़े हुए हैं वहीं से ताली बजा दीजिए आनंद कुमार जीपी जमुई के लिए, जो 15 मार्क्स लेके आए हैं आउट ऑफ 20 में, और 3rd रैंक में सिर्फ वन ही स्टूडेंट, 5th रैंक और 4th रैंक में तीन तीन स्टूडेंट, 3rd रैंक में 1 स्टूडेंट। चलिए यह दिखा रहा है कि आप लोग कम पढ़ रहे हैं, इसलिए मेहनत की ज्यादा जरूरत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ स्टेट है, ये तो आप देखते बना दिए होंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब अगर इस साइड में ए और बी लिखा हुआ है तो इसके अपोजिट साइड में हम इक्वल टू के साइड में इसको बी को पहले और ए लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। कॉम्यूटेटिव लॉ कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कुछ लोग 20 आउट ऑफ 20 लेके भी आए हैं, आप पेशेंस बना के इस लाइव सेशन में अटेंड किए हुए रहिए। कोई है जो 20 आउट ऑफ 20 लेके आया, हो सके वो आप हो, तो 20 आउट ऑफ 20 भी लेकर स्टूडेंट आए हैं द पॉलिटेक्निक में, इस वीकली टेस्ट में सबसे पहली बार ऐसा हुआ। सबसे मैक्सिमम मार्क अभी तक 19 गया था, लेकिन इस बार 20 आउट ऑफ 20 गया। तो पेशेंस बना के इस लाइव सेशन को देखते रहिए, 20 आउट ऑफ 20 लाने वाले भी यहाँ पे महारथी उपलब्ध हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो a और a बार b इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें हम लोग इसको a और a बार अगर लिखें और एंड a और b लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो a और a बार का वैल्यू कितना होगा, अगर a का वैल्यू हम 1 मान के चलते हैं लेट किए हुए हैं तो a बार का वैल्यू क्या होगा 0, और 1 में 0 को जब हम और करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर हम इसको पलट देते हैं, a को 0 मानते हैं और a बार को 1 हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 एंड a और b, तो 1 में इतना से जब एंडेड करेंगे ऑपरेशन तो a और b, a इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, 17 नंबर क्वेश्चन द बेसिक डिटेल गेट इज डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, जो गेट है उसमें किस गेट का यूज किया गया है, बेसिक गेट की बात करना, बेसिक डिटेल गेट की, तो इसमें हम लोग नैंड गेट का यूज करते हैं, किस गेट का यूज करते हैं, नैंड गेट का, किसका करते हैं, नैंड गेट का यूज करते हैं, किसका, नैंड गेट का यूज करते हैं। चलिए तो अब लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा, ये 18 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा, और 18 नंबर क्वेश्चंस के ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हुआ था, तो ये मिसप्रिंट ये था कि ये जहां ए बार और बी बार और जहां सी बार लिखा हुआ है वहां सिर्फ सी होगा। आप जब केमैप पढ़ रहे होंगे उस टाइम मीन टर्म और मैक्स टर्म पढ़े होंगे, मीन टर्म और मैक्स टर्म, तो मैक्स टर्म में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मैक्स टर्म में है जो बार वाला साइन के साथ आया हुआ है, मतलब ए बार लिखे हैं मतलब इसका वैल्यू वहाँ 1 होगा और जो ए है इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन मीन टर्म के केस में ऐसा नहीं था, जो बार है वो 0 होगा और जो नहीं बार है वो क्या होगा, जो नहीं बार है वो 1 होगा, या लेकिन मैक्स टर्म की बात आपके पास कर रहा है, मैक्स टर्म में दिया हुआ है इफ a बराबर 1 b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन आपके पास होगा a का बार और b का बार और c, चूंकि c 0 है, यहां पे c बार लिखा गया था, c बार लिखा गया था, तो इसमें ऑप्शन इसमें तो कोई भी नहीं, अगर इसको सही करते हैं तो और सी कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ पे लिखा गया है ए बार और बी बार और सी, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए जिस चीज का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, तो सेकेंड रैंक के लिस्ट जारी करने का टाइम अब आ चुका है, और सेकेंड रैंक में कितने लोग आए हैं, चलिए आपका स्क्रीन के ऊपर रहा ये सेकेंड रैंक का रिजल्ट, सेकेंड रैंक में भी 3 लोग आए हैं, और सेकेंड रैंक में 3 लोग में सबसे फर्स्ट 17 मतलब 20 आउट ऑफ 20 लेके आए हैं, यह है रॉबिन कुमार जीपी सीतामढ़ी, रॉबिन कुमार जीपी सीतामढ़ी, इनके लिए जितने लाइव सेशन में अटेंड लोग हैं वे ताली बजाएं इनके लिए, और रॉबिन कुमार जीपी सीतामढ़ी 20 आउट ऑफ 20। अब नेक्स्ट इसके बाद है प्रियम कुमारी जीपी नवादा, प्रियम कुमारी जीपी नवादा 20 आउट ऑफ 20, इनके लिए भी जोरदार ताली जितने लाइव सेशन में अटेंड लोग हैं, तो प्रियम कुमारी जीपी नवादा। और इसके बाद तीसरे सेकेंड रैंक में जो स्टूडेंट है वे स्नेहा कुमारी जीडब्ल्यूपी पटना, ये स्नेहा कुमारी 20 आउट ऑफ 20, तो स्नेहा कुमारी के लिए भी जितने लाइव सेशन में अटेंड लोग हैं वे जोरदार ताली लगाएंगे, और इन तीनों को सेकेंड रैंक प्राप्त किए हुए तीनों लोगों को द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, और आप लोग और मेहनत करें और भी जोरदार मेहनत करें जिससे कि आप फर्स्ट रैंक में आपका नाम आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का कि आप सेकंड रैंक में आए, वीकली टेस्ट को अटेंड किए, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लाइव कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे कंपटीशन और भी रहे, आपको मजा और आए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये।
अभी जितने लाइव सेशन में अटेंड हैं, आप पेशेंस बनाएं, दो क्वेश्चन और है और आपके सामने वो महारथी जो 20 आउट ऑफ 20 लेके आए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बुलियन अलजेब्रा। तो बोल रहा है कि बेसिक ऑपरेशन बुलियन अलजेब्रा में कौन परफॉर्म करता है, तो बताए बेसिक गेट, तीनों का तीनों बेसिक गेट जो आपको बताया बुलियन अलजेब्रा में परफॉर्म करता है, नॉट और एंड, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा 20। द एंड गेट हैज एन इनपुट वेयर एन इक्वल टू 2। आप पढ़े होंगे यहाँ ए और बी हम इनपुट यहाँ से दे रहे थे, यहाँ से इनपुट अगर दे रहे हैं और यहाँ आउटपुट ए एंड बी हो गया, आउटपुट ए एंड बी, तो यहाँ 0 0 0 1 1 0 1 1 देते थे तो 0 0 0 और यहाँ 1 कहता था एंड गेट के केस में कि एन इक्वल टू 2 होगा, मतलब 2 इनपुट्स अगर हम दे रहे हैं तो दोनों इनपुट जब तक हाई नहीं होगा आउटपुट हाई नहीं होगा, अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, लो। 20 का आंसर, आंसर नंबर 3, ऑप्शन 3 एन इक्वल टू 2, 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी एन इक्वल टू 2। चलिए जिसका बेसब्री से इंतजार हम लोगों का, जिसका बेसब्री से इंतजार हम लोगों का 20 आउट ऑफ 20 का, उनका रिजल्ट अब घोषित होने वाला है और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट। नहीं आया, नहीं आया, लगता है आज नहीं आएगा। क्या होगा, क्या होगा रिजल्ट का 20 आउट ऑफ 20, काफी खुशी की बात। तहे तहे दिल से शुक्रिया द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से जितने भी स्टूडेंट 20 आउट ऑफ 20 लेके आए हैं। कौन है, कौन है 20 आउट ऑफ 20? आप लोग ऐसे ही मेहनत करें कि आप भी फर्स्ट रैंक के अंदर आए, और जिनका भी फर्स्ट रैंक आया है उनका रिजल्ट अभी शो नहीं करेगा, वेट करें, इंतजार करें, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ताली बजा दे जो टॉप फर्स्ट रैंक में आए हैं और उनका नाम रहा ये स्क्रीन पे। सबसे फर्स्ट प्रेरणा कुमारी GWP मुजफ्फरपुर से 20 आउट ऑफ 20 लेके आए हैं। प्रेरणा कुमारी GWP मुजफ्फरपुर से जोरदार ताली इनके लिए, जोरदार ताली जितने भी लाइव सेशन में अटेंड लोग हैं। दूसरा राहुल कुमार GP पटना ये भी 20 आउट ऑफ 20 लेके आए हैं। GP पटना, राहुल कुमार और प्रेरणा कुमारी GWP मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक क्लासेज की तरफ से तहे तहे दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही परफॉर्मेंस बनाए हुए रहे तो इस तरह से 20 आउट ऑफ 20 दो लोग लेके आए फर्स्ट रैंक में, और जितने भी लाइव सेशन में अटेंड हैं वे इनसे सीखे, हर एक लोगों से सीखे, और आप भी टॉप 5 नहीं फर्स्ट रैंक में आके अपने कॉलेज का, अपना और अपना पूरा का पूरा सेमेस्टर का जो जी जान है लगा दीजिए वीकली टेस्ट में आके। तो ये दोनों, वे दोनों प्रेरणा कुमारी और राहुल कुमार को एक बार और द पॉलिटेक्निक क्लास की तरफ से तहे तहे दिल से शुक्रिया। और इसी सब के साथ कि आप लोग हमेशा वीकली टेस्ट में अटेंड करें, लाइव सॉल्यूशन में ले, और अधिक से अधिक इस लाइव सेशन को शेयर करें। एटलीस्ट एक बात और, जो आपके लिए एग्जाम स्पेशल बैच आया है उसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें और आप खुद भी ज्वाइन करें। धन्यवाद, आप जुड़े रहे द पॉलिटेक्निक के साथ और नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।